हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम पढ़ेंगे कि पीएचपी में एरर्स क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं। तो देखो, एरर तो आपके पास हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं और हम कहते हैं कि एरर्स आर प्रोग्रामर्स बेस्ट फ्रेंड, है ना। हम कोडिंग सीखते ही तब ज्यादा अच्छे से हो जब आपको एरर आते हैं और आपको पता चलता है कि वो क्यों आया है और उसको ठीक कैसे करना है। तो जब हम ये सीखते हैं कि एरर क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, कैसे करेक्ट होगा, सो दैट इज वेयर यू एक्चुअली गेट द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। अब पीएचपी में एरर्स कितनी तरह के होते हैं, आपके पास ये कुछ एरर्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले होता है पार्स या सिंटेक्स एरर। तो हर लैंग्वेज में हमारे पास एरर्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सिंटेक्स एरर, एक होते हैं लॉजिकल एरर और एक होते हैं रन टाइम एरर, राइट। सो सिंटेक्स एरर्स, जहां पर आपने लैंग्वेज का सिंटेक्स फॉलो नहीं किया, मतलब आप उसकी ग्रामर फॉलो नहीं कर रहे हो, आपको जहां पर सेमीकॉलन लगाना चाहिए था आपने नहीं लगाया, जहां पे कोट्स लगाने चाहिए थे नहीं लगाए। सो अगर कोई सिंटेक्स एरर है तो कंपाइलर आपके प्रोग्राम को रन ही नहीं करने देता है, राइट। सो सिंटेक्स एरर जब तक होता है हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। सो सिंटेक्स एरर इज कॉट बाय द कंपाइलर। आफ्टर फिक्सिंग द सिंटेक्स एरर द कंपाइलर कंपाइल्स द कोड एंड एग्जीक्यूट इट, ठीक है। और पार्सिंग एरर तब होते हैं, पार्स का मतलब होता है कि कुछ वैल्यू किसी में से निकालना, तो अगर ब्रैकेट बंद नहीं हुई है, कोट्स बंद नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वो आपके पार्स एरर्स होते हैं। मिसिंग सेमीकॉलन, ये सारे आपके सिंटेक्स एंड पार्स एरर्स के अंदर आते हैं। अगर ये एरर है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर ये एरर आप रिमूव कर देते हो, ठीक हो जाता है, तभी हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। तो ये तो हो गए सिंटेक्स एरर। लॉजिकल एरर इसमें लिस्टेड नहीं है, ये जो पॉइंट यहाँ पे लिस्टेड है इसके अंदर लॉजिकल एरर इज नॉट लिस्टेड। लॉजिकल एरर देखो अलग से कभी एरर कह के नहीं आता। लॉजिकल एरर का मतलब होता है कि कोड तो लिखा है, एरर कोई नहीं है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी हो रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन वो रिजल्ट सही नहीं है। सो द आउटपुट विच वी आर गेटिंग, द रिजल्ट व्हाट वी आर गेटिंग इज नॉट करेक्ट, मतलब कोड में कहीं ना कहीं घपला है ना। तो कोड में कहीं ना कहीं लॉजिक ठीक नहीं है मेरा, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट सही नहीं आ रहा। तो वो मुझे ही ठीक करना पड़ेगा, मुझे ही देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ गलत है, क्या गलत है, इसको शायद मल्टीप्लाई करना था या ये कंडीशन चेक करनी थी या मैंने लूप गलत लगाया है, कुछ भी हो सकता है। बट दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू हाउ यू करेक्ट इट, दैट्स अ लॉजिकल एरर, ठीक है। तीसरा जो एरर है रन टाइम एरर, विच कैन अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन तो शुरू हो जाएगी पर हो सकता है कि बीच में ही रुक जाए, या हो सकता है कि कुछ पार्ट एग्जीक्यूट हो, कुछ पार्ट एग्जीक्यूट ही ना हो। तो ऐसे जो एरर्स हैं वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आते हैं और वो यहाँ पर पीएचपी में तीन टाइप्स में है। वी हैव फैटल एरर, वार्निंग एरर एंड नोटिस एरर। अब ये एग्जैक्टली होते क्या है, इफ यू टॉक अबाउट फैटल एरर्स, सो इट इज अ टाइप ऑफ एरर वेयर पीएचपी कंपाइलर अंडरस्टैंड्स द पीएचपी कोड, ठीक है। लेकिन आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो जो फंक्शन आपने बनाया ही नहीं है। सो हमने अभी देखा कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं और फिर उसी के नाम से आप उसको कॉल करते हो। तो जो भी आपने फंक्शन का नाम दिया है उसी नेम से आप उस फंक्शन को कॉल करते हो, बट कॉल करते हुए हो सकता है आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, नाम गलत लिखा गया, तो उस टाइम पे जो एरर आएगा वो होगा फैटल एरर। सो फैटल एरर का मतलब है वी आर कॉलिंग अ फंक्शन जो कि डिफाइंड ही नहीं है। सो जब ऐसा होगा तो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, तो पीएचपी आपको एक एरर शो कर देगी एंड वो काम नहीं करेगी, ठीक है। सो दैट इज फैटल एरर। मैं भी आपको इसका एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देन वी हैव वार्निंग एरर। वार्निंग एरर में क्या होता है कि हमारे पास पीएचपी में एक स्टेटमेंट होती है इंक्लूड। जैसे सी लैंग्वेज में आपने हैश इंक्लूड किया था, पाइथन में आप इंपोर्ट करते हो, वैसे ही यहाँ पे भी इंक्लूड स्टेटमेंट है जिससे मैं किसी दूसरी फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकती हूँ। सो मुझे सिर्फ क्या लिखना होता है, इंक्लूड डबल कोट्स में फाइल का नाम जो कि पीएचपी फाइल होगी, दैट कैन बी एडेड टू माई करंट प्रोग्राम। अगर वो फाइल का नाम मैंने गलत दे दिया, वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपके पास वार्निंग एरर आता है। एंड देन वी हैव नोटिस एरर। ये भी तभी आता है जब आप किसी वेरिएबल को यूज कर रहे हो जो कि डिफाइंड ही नहीं है। तो बेसिकली ये सब तब आते हैं जब हम ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है ही नहीं पीएचपी में, उसको पता ही नहीं वो क्या चीज है। बस पर्पस तीनों का सेम है, नोटिस एरर हो गया, वार्निंग एरर हो गया, फैटल एरर हो गया, कि हम एक ऐसा नाम यूज कर रहे हैं जो कि डिफाइंड ही नहीं है। बस फर्क ये है कि फैटल एरर में नेम ऑफ द फंक्शन है, वार्निंग एरर में नेम ऑफ द फाइल है, नोटिस एरर में नेम ऑफ द वेरिएबल है, राइट। अब ये जो है सब आपके टाइप ऑफ एरर्स हैं। अब ये एरर्स कब आते हैं, कैसे आते हैं, मैं आपको एक कोड में भी एक्सप्लेन करूंगी। बट हमारे पास एक और चीज होती है जो कि प्री डिफाइंड पीएचपी एरर्स हैं, जिन्हें हम पीएचपी एरर कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। आगे जाकर हम एक और टॉपिक करेंगे पीएचपी में जिसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, दैट मीन्स डीलिंग विद द रन टाइम एरर्स। अभी तो आप सिर्फ ये पढ़ रहे हो कि एरर होता क्या है,
फिर आप आगे देखोगे कि इन एरर्स के साथ हम डील कैसे करेंगे। अगर ये एरर आ जाए और आप चाहते हो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुके नहीं, कुछ चलता रहे, तो वो कैसे होगा। बट उसके लिए समझना जरूरी है कि हमारे पास एरर्स कितनी तरह के हैं, कौन कौन से टाइप के एरर्स आपके पास हैं। तो जो प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास है ई अंडरस्कोर एरर। नोटिस कि ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, पीएचपी केस सेंसिटिव है। तो ई अंडरस्कोर एरर इज अ प्री डिफाइंड पीएचपी एरर कॉन्स्टेंट विच सेज दैट देयर इज अ फैटल एरर दैट कॉजेस स्क्रिप्ट टर्मिनेशन। आपकी टर्मिनेशन हो जाएगी, कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ई वार्निंग इज रन टाइम वार्निंग दैट डज नॉट कॉज द स्क्रिप्ट टर्मिनेशन, लेकिन वो सिर्फ वार्निंग दिखा के छोड़ देता है। जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा होगा, जब मैं आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल वाला कोड करा रही थी, तो उसमें जब हम वेरिएबल को यूज कर रहे थे, लोकल वेरिएबल को बाहर यूज कर रहे थे, तो वो वार्निंग एरर दे रहा था, है ना। ये नहीं था कि बाकी का कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जो वो एग्जीक्यूट कर पा रहा था उसे एग्जीक्यूट कर रहा था, साथ में वो वार्निंग एरर दे रहा था। पार्स एरर, कंपाइल टाइम पार्स एरर, कि कोड शुरू हुए लेकिन बंद नहीं हुए। नोटिस एरर बताता है कि नोटिस एरर आया है। कोर एरर इज फैटल एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग पीएचपी इनिशियल स्टार्टअप इंस्टॉलेशन। तो पीएचपी के शुरू होते ही अगर कोई एरर आ गया जिसकी वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, सो दैट टाइम द एरर इज कॉल्ड ई कोर एरर। देन इज ई कोर वार्निंग, अगेन स्टार्टअप के टाइम पे वार्निंग आ गई या स्टार्टिंग के टाइम पे कंपाइल टाइम एरर आ गया। देन यूजर एरर, यूजर के थ्रू आप एरर मैसेज जनरेट करा रहे हो। मतलब मैं प्रोग्रामर हूँ, आई वॉन्ट टू जनरेट एन एरर मैसेज, तो मैं यहाँ पर उसको सेट कर सकती हूँ। कैसे सेट करते हैं, वी विल बी डूइंग इट लेटर। यूजर वार्निंग मैसेज भी हम क्रिएट कर सकते हैं, यूजर नोटिस मैसेज भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देन ई स्ट्रिक्ट होता है रन टाइम नोटिसेस के लिए, जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन नोटिसेस क्रिएट करते होते हैं। देन वी हैव रिकवरेबल एरर, कैचेबल फैटल एरर इंडिकेटिंग अ डेंजरस एरर। कैचेबल मतलब उसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्राई कैच के थ्रू डील कर सकते हैं, ठीक है। एंड डेप्रिकेटेड इज रन टाइम नोटिसेस ओनली। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग हम बाद में करेंगे, अभी आपको यहाँ पर समझना है कि एरर होता क्या है। सो एरर के कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से आपके पास डिफाइंड है, ठीक है। जैम्प मेरा ऑन है, आप देखो जैम्प इज ऑलरेडी ऑन। एंड इफ आई लुक एट माई कोड, सो ये कोई भी आपका कोड है जो आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करा सकते हो, लाइक आप यहाँ पर लोकल होस्ट फंक्शन 2.php अगर ले लेते हो, ठीक है। सो ये हमने फंक्शन वाला किया था। इसमें अगर आप कोई भी ऐसा फंक्शन कॉल कर लेते हो जो कि आपका पहले से डिफाइंड नहीं है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है डॉलर नेम इज इक्वल टू अंजलि, एंड देन यहाँ प्रोसेस लिखते हुए गलती से मुझसे एक एस रह गया, मान लो गलती से एक एस रह गया, और आपने इसको रिफ्रेश किया तो वो फैटल एरर दिखा रहा है। क्या कह रहा है? अनकॉट एरर, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो गई, उसने आगे का भी एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है। सो ये फैटल एरर है, अनकॉट है, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने यहाँ लगाई नहीं है। और स्टैक ट्रेस का मतलब होता है वो दिखा रहा है कि कौन सी लाइन पे आपका ये एरर जनरेट हो रहा है, किस फाइल में किस लाइन पे दिस एरर इज जनरेटेड। तो ये फंक्शन अगर हम कॉल करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, इट जनरेट्स अ फैटल एरर, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप एक ऐसा वेरिएबल यूज कर लेते हो जो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे मान लो ई लिखना भूल गए यहाँ पर हम, और फिर अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, सो दिस इज अ वार्निंग एरर। वो क्या कह रहा है? अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर एन ए एम। सो नोटिस एरर और वार्निंग एरर ऑलमोस्ट सिमिलर ही काम करते हैं, ठीक है, कि आपका या तो फाइल का नाम गलत है या वेरिएबल का नाम गलत है, सो यू गेट इट लाइक दैट। और अगर गलती से आपने कहीं पे कोट्स शुरू किए, बंद नहीं किए, जैसे ये तो अभी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर अब परफेक्टली पहले की तरह फाइन आएगा। बट अगर आप यहाँ पर अब कुछ कर देते हो, जैसे कि ये बी आर शुरू तो कर दिया लेकिन मैंने बंद नहीं किया, सो दिस इज योर सिंटेक्स एरर। जब सिंटेक्स एरर होता है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि कंपाइलर ने उसको चलाया ही नहीं, तो ये आपका पार्स एरर आ गया, ये काम ही नहीं करेगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर्स वी हैव इन पीएचपी, ठीक है। तो आपको ये एरर्स के टाइप्स पता होने चाहिए, इनको डील कैसे करना है वो नेक्स्ट यूनिट में आएगा, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, सो वी विल बी डूइंग इट देन। बट बिफोर दैट यू शुड नो कि एरर को क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम PHP में। So that is it for this video. I'll see you in the next one with a very, very, very interesting topic, very important topic also, that is reading the data from the form. जैसे आप ये form देख रहे हो, मैं यहाँ पर कुछ भी लिखती हूँ,
और मैं यहाँ पर कुछ और लिखती हूँ एज एंड आई क्लिक ऑन सबमिट, तो ये फॉर्म का डेटा मेरे पीएचपी पेज के पास जा रहा है और वो उसको प्रोसेस करके आगे कुछ लिख रहा है। तो रीडिंग द फॉर्म डेटा, हाउ डू वी रीड द फॉर्म डेटा इन पीएचपी, आखिरकार यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो यूजर ने डेटा फिल किया है अगर सर्वर पे हमने उसको लेके प्रोसेस ही नहीं किया तो फिर सर्वर पे कोडिंग करने का फायदा क्या है ना। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगली यूनिट में आप करोगे कि इसी डेटा को हम डेटाबेस में स्टोर भी करवा पाएंगे और डेटाबेस से फेच भी करवा पाएंगे, बट अभी फॉर्म प्रोसेसिंग कैसे होती है दिस वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। बाय।